नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है वर्मा ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों आज हम लाए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का दोस्तों 12वीं बेस का नोटिफिकेशन लेकर। दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी के लिए एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है 12वीं पास वालों के लिए एसएससी सीजीएल का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आ चुका है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन बोल के। तो दोस्तों ये फॉर्म जल्द ही चालू होने वाले है जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का ये पोस्ट निकलने वाली है। तो जल्द से ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म चालू होने वाली है। जो लोग कर्मचारी चयन आयोग में फॉर्म डालना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अभी। और आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाली है कुछ दिन में चालू होने का डेट। और आपको बता दूं दोस्तों साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर दिल्ली का जो सीआरपीएफ का एग्जामिनेशन था उसका रिजल्ट आज आ चुका है। अप्रैल 5 मतलब देख सकते हो कल के डेट पे आया था ये। और साथ ही साथ दोस्तों एसएससी जीडी है उसका भी यहाँ पर देख सकते हो सीट वगैरह डल चुका है, टेंटेटिव आंसर क्यू डल चुका है। तो जो लोग परीक्षा देने अपना आंसर किसी मिलान कर सकते हैं। और जल्द ही इस वेबसाइट पे फॉर्म चालू हो रहा है। और इस बार दोस्तों आपको बता दूं मैं इस बार नया 1 अप्रैल से नया नोटिफिकेशन आया है रजिस्ट्रेशन ओटीआर बोल के। तो आपको ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस बार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एसएससी के लिए। अब जितना भी आप एसएससी फॉर्म भरे हैं उसको डिलीट करके एक नया वेबसाइट आया है जिसमें आपको ओटीआर पहले बनाना पड़ेगा, लाइव फोटो खींचना पड़ेगा। दोस्तों लाइव फोटो खींचने के लिए आपको दो ऑप्शन है, एक तो आप वेबकैम से ले सकते हो, दूसरा आपको स्मार्टफोन से भी ले सकते हो। स्मार्टफोन में है जिसमें आपको एक बार कोड मिलेगा, बार कोड को स्कैन करोगे तो ऐप डाउनलोड होगा और ऐप डाउनलोड होगा उससे आपको डायरेक्ट फोटो ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा मौका है इस बार एसएससी के लिए। और साथ ही साथ ओटीआर भरने के बाद आप कभी भी फॉर्म को घर बैठे भर सकते हो दोस्तों। तो ये रहा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।